रोटरी क्लब व इनरव्हील क्लब पनवेलच्या वतीने महिलांच्या ब्रेस्ट कॅन्सर बाबतीत जनजागृती बाईक रॅली आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अर्चना परेश ठाकूर यांच्या उपस्थितीत रोटरी क्लब ऑफ पनवेल सिटीच्या अध्यक्षा ध्वनी तन्ना, मेंटोर क्लबचे हरमेश तन्ना, सिंपल आचालिया, इनरव्हील क्लब ऑफ पनवेल सिटीच्या अध्यक्षा हेतल बालड, सचिव गिरा चव्हाण, बिजल मिराणी, ममता ठाकूर, डॉक्टर फोरम ठक्कर, डॉक्टर वैभव ठक्कर यांच्या उपस्थितीत या रॅलीची सुरुवात झाली. महिलांना आपण अनेकदा अशा गंभीर आजाराने पीडित पाहतो. त्यांना या आजाराचा सामना करताना औषधोपचारासह मानसिक आधार, हिमतीची गरज असते. अशा रॅलीमुळे सर्वांना याचे गांभीर्य कळेल असे मत अर्चना परेश ठाकूर यांनी व्यक्त केले. शहरात झालेल्या या रॅलीमुळे सामान्यांना या विषयाची माहिती मिळाली. रॅलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला सहभागी झाल्या होत्या. या रॅलीची सुरुवात पनवेल येथील ज्येष्ठ नागरिक सभागृह येथून करण्यात आली असून ओरियन मॉल येथे संपन्न झाली. रोटरी क्लब ऑफ पनवेल सिटी और इनरव्हील क्लब ऑफ पनवेल सिटी की ओर से आज हम ये पीस बाइक रैली निकाल रहे हैं. आज इस रैली का मोटो हमारा है कि महिलाओं में जो कैंसर बढ़ता जा रहा है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इस पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए खास आज ये रैली है. और कैंसर के बारे में ये है कि अगर हम सही समय पर जांच कराते हैं तो इसका हम आगे ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इट इज़ क्योरेबल. सो यही अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है. ज्येष्ठ नागरिक हॉलचे इथे सगळेजण उपस्थित आहोत आणि याचा उद्देश असा आहे की इनरव्हील क्लब ऑफ पनवेल सिटी आणि रोटरी क्लब ऑफ पनवेल सिटी या दोघांनी मिळून इथे एक बाईक रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे आणि ही बाईक रॅली स्पेशली महिलांसाठी आहे आणि याचा उद्देश एकदम मौलाचा आणि महत्त्वाचा आहे, म्हणजे कॅन्सर अवेअरनेस. आपण जनरली बघतो की कॅन्सरबद्दल आपण व्हॉट्सअप किंवा मीडियामध्ये वाचतो, त्याचे सिम्प्टम्स वाचतो, कॉजेस वाचतो आणि कितीतरी पेशंट त्याला लढा देतानाही बघतो, पण ते बघून आपल्याला वाईट वाटतं, रडूही वाटतं, रडू यायला लागतं की आपलाच कोणतेही नातेवाईक त्याच्याशी झुंज देतो आहे. पण तो चॅलेंज जिंकायचा कसा, तर त्याच्यासाठी एकच उपाय आहे की आपण कंट्रोल अँड प्रिव्हेंट कसं करूया कॅन्सरला आणि कॅन्सरबद्दल अवेअरनेस. तर प्रिव्हेंशन अँड कंट्रोल ऑफ कॅन्सर प्लस कॅन्सरबद्दल अवेअरनेस, हे दोन्ही स्टेप्स आपण घेतले पाहिजे आणि ते इनरव्हील क्लब आणि रोटरी क्लब ऑफ पनवेल सिटीने घेतलेली आहे. तर हा त्यांचा जो प्रोजेक्ट आहे, त्यांची एक छोटीशी का होईना एक छानशी रॅली, ही खूप म्हणजे कौतुकास्पद आहे आणि त्यांना या रॅलीसाठी मी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा देते. त्यांच्या अपकमिंग प्रोजेक्टसाठी आणि नवीन दोन्ही क्लबसाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. यहाँ पे हम लोग कॅन्सर अवेअरनेस के लिए रॅली कर रहे हैं. ये पीस रैली है. यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं रैली के जरिए कि अवेयरनेस हो कि कैसे हम लोग उसको रोक सकते हैं, कैसे उसके स्टेज आगे के स्टेज पे हम लोग बढ़ सकते हैं ताकि हम रोक सकें. और उसके लिए फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, अपना खान पान भी बहुत ज़रूरी है. तो कोशिश रहेगी ये सब चीज़ उसमें शामिल हो. थैंक यू. एक्चुअली जो सच्चाई है इससे बहुत डीप है. हर हफ्ते मेरे हॉस्पिटल में जो सेक्टर 12 खारघर में है, वेदांता हेल्थ केयर, हर हफ्ते 2 केस आते हैं जहाँ पे हताश हो चुके हैं लोग, हर उम्र के इस लेवल से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, और जीना नहीं चाहते. एक्चुअली एक रोग सा लग गया है कि हम दूसरों का रिस्पेक्ट, जो जैसा है वैसा नहीं करना चाहते. हमारे कुछ पैमाने हैं, हम किसी तरीके से तौलते हैं लोगों को, और उस तौलने में अगर वो व्यक्ति ठीक नहीं बैठा तो हम उसे नालायक कह देते हैं, बेकार कह देते हैं. और ये खाली दूसरे नहीं कर रहे, ये मैं खुद भी अपने लिए कर रहा हूँ. मैं सोचता हूँ कि मैं उसके जैसा बन जाऊँ. एक चीज़ याद रखिएगा, हम सब ईश्वर की संतान हैं. जिस तरह जंगल में शेर की अपनी ताकत है, तो गिलहरी की अपनी ताकत है, हाथी की अपनी ताकत है, चीते की अपनी ताकत है, उसी तरह एक कॉकरोच भी डायनासोर के समय से आज तक जिंदा है. तो जितने भी तरह के हम लोग हैं सब यूनिक हैं, हमारा कोई डुप्लीकेट है ही नहीं और ना डुप्लीकेट बनेगा कभी. तो कंपैरिजन, दूसरों के साथ हमारा जो व्यवहार है, इसको आज से जरा सोचिए कि जो मैं घर में अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये दूसरों से प्रेरित होकर कि मैं 24 घंटा बच्चे से ये कह रही हूँ या कह रहा हूँ कि बेटा जो कुछ हो, जैसे हो, अपनी तरफ से 100% मेहनत करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ.
जिस दिन हमने अपनों को अपना लिया, जिस दिन हमने रिश्ते बनाने सीख लिए, सच बता रहा हूँ ये जो कहानी है, जो हकीकत है, वो कहानी में बदल जाएगी वापस।